नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें पोल स्ट्रेंथ है छोटा एम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, नॉर्थ से साउथ। हमने भी क्या डिस्कस किया, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होता तो यहां पर क्यूई फोर्स लगती है, क्यूई की जगह यहां पर एमबी, यहां पर एमबी, यहां पर एमबी, राइट, क्यों, क्योंकि नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया और साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, तो एमबी एमबी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एमबी एमबी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेज में कितने हैं, अगर ये 2L है तो ये कितने हैं, 2L साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी इसमें, फोर्स एमबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, और एम इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट कैपिटल एम। तो यहां से अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, टॉर्क वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इंपॉर्टेंट है। तो बार मैग्नेट जब फील्ड में पड़ी होगी, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में पड़ी होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। एक बात बताओ, इसी में ये बार मैग्नेट है, हमने करंट कैरिंग लूप का भी टॉर्क निकाला था, क्या निकाला था, करंट कैरिंग लूप का टॉर्क था एन बी आई ए साइन एल्फा, याद है, करंट कैरिंग लूप का ये टॉर्क है एन इंटू, क्या मैं करंट इंटू एरिया को, अब कैपिटल एम तो लिख ही सकता हूं ना, अब आपको ये पता लग चुका है कि करंट कैरिंग वायर का भी तो कैपिटल एम होता है, करंट इंटू एरिया, और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, एम क्रॉस बी। आप चेक कर रहे हो बार मैग्नेट का और करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, और इसीलिए किताबें साइन का फॉर्मूला यूज करती थी, याद करो, कॉस नहीं यूज करती थी, क्योंकि फॉर्मूला सेम करना था। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक,